हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीतू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो आइए, इसे बनाने की क्या विधि है तो हम देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने लिए है वाटरमेलन के पीसेस, एप्पल, यहाँ पे है ग्रेप्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर, मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है, आपको अगर दूसरे फ्लेवर पसंद हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और चीनी। और हमें चाहिए दूध, तो मैंने यहाँ पे तो हमने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। तो इस दूध को मैंने पैन में चढ़ा दिया है और हमें इसे स्टर करते रहेंगे। हमें इसे स्टर करना है 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हमें दूध को स्टर करते रहना है। और फ्रूट कस्टर्ड में आपको जो भी फ्रूट हो पसंद हो और आपके घर में जो भी अवेलेबल हो वो फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। और ये फ्रूट कस्टर्ड गर्मियों के मौसम में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि ये हम फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेते हैं और उसमें अगर सीजन फ्रूट्स हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अभी मुझे दूध स्टर करते करते 3 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अभी इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी मैंने 1/2 वाटी ली है। और चीनी और नमक, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, चीनी और नमक ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी डिश की जो हर व्यक्ति अपने स्वादानुसार लेता है। तो आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी लें, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम चीनी लें। तो ये दूध को हम स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली, ताकि गिर ना जाए उबल के ज़्यादा। दूध हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा गाढ़ा हो ही जाएगा, ठीक हो ही जाएगा। और उसके बाद जब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो हमको ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। हमने एक वाटी में जो लिया है कस्टर्ड पाउडर, उसमें थोड़ा सा वार्म मिल्क लेके उसको मेल्ट कर रही हूँ पूरा। फिर हम उसको कस्टर्ड दूध में ऐड करेंगे, कस्टर्ड पाउडर को। इसको अच्छे से मेल्ट कर लें, इसमें लम्स ना रहे। इस मिक्सचर को डाल देंगे दूध में। और इसको स्टर कर लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए ये गाढ़ा हो चुका ऑलरेडी, हमें जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी तो हमें मिल चुकी है। तो हम अभी गैस ऑफ कर लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें जो हमने फ्रूट्स काट के रखे हैं वो ऐड करेंगे। ऊपर उठाओ। तो मैंने जो हमारा कस्टर्ड का ये बना है उसको पैन से निकाल लिया है, इस बर्तन में, बाउल में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे थे।
अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास काजू और बादाम थे, आलमंड्स थे, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ग्रेप्स दिए है इसलिए मैं किशमिश नहीं डाली इसमें। तो देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है, पर अभी इसको हमें ठंडा करना है। इसके लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे 4 से 5 घंटे तक, और अगर आपको ज़्यादा हरी है तो आप फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो ये आपके लिए इनफ होगा। और उसके बाद आपका कस्टर्ड रेडी टू सर्व हो जाएगा। तो वेट करते हैं 4 से 5 घंटे। हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है और मैंने उसे बाउल में ले लिया है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, डू शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।